तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों मैं लक्ष्मण चंदा फिर से आया हूँ गाज डैडी की नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसे ही टाटा पंच के लॉन्च होने की न्यूज क्या आई Hyundai में, तहलका ही मच गया। Hyundai ने भी अपनी माइक्रो एसयूवी को जल्दी से जल्दी लॉन्च करने की प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी। जैसे ही टाटा पंच ने एंट्री क्या मारी इंडिया में, Hyundai कंपनी को देख के इसे बड़ी जल्दी हुई, जिससे उन्होंने फैसला लिया है कि जल्दी से जल्दी अब आपको Hyundai की तरफ से माइक्रो एसयूवी देखने को मिलेगी AX1, जिसका कोड नेम है एंड इस गाड़ी का रियल नेम कहीं ना कहीं कैस्पर रखा जाएगा। जैसे टाटा की HBX जो था कोड नेम था एंड नेम जो है, पहले वो हॉर्नबिल रखने वाले थे, फिर उन्होंने चेंज कर दिया, पंच रख दिया। पता नहीं इसके साथ भी यही सीन करेंगे या नहीं करेंगे। जहां तक अभी तक सूत्रों के हिसाब से पता लगा है, इसका AX1 जो है कोड नेम है एंड इसका नाम जो रखा जाएगा इंडियन कार मार्केट के अंदर कैस्पर रखा जाएगा। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग इस गाड़ी की आपको i10 न्यूज की तरह देखने को मिलेगी, ज्यादा प्राइसिंग नहीं देखने को मिलेगी इस गाड़ी के अंदर। ये वेन्यू का छोटा वर्जन लाइक आप इसे कह सकते हैं। लुक्स भी कहीं ना कहीं आपको इसके Hyundai वेन्यू की तरह देखने को मिलेंगे। फ्रंट भी इसका Hyundai वेन्यू की तरह देखने को मिलेगा। बस जो इसकी सेगमेंट वगैरह है वो थोड़े कम देखने को मिलेंगे, डायमेंशंस हो गए जो आपको थोड़े से कम देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू Hyundai वेन्यू। Hyundai कैस्पर को या AX1 को आप वेन्यू की छोटी बहन भी कह सकते हैं। ये माइक्रो एसयूवी निकाली जा रही है Hyundai की तरफ से टाटा पंच को कम्पीट करने के लिए। इस गाड़ी पे काफी टाइम से वर्क किया जा रहा है, इस पे तैयारी की जा रही है इसको इंडियन कार मार्केट के अंदर लॉन्च करने के लिए। आई नो आपने पहले भी कहीं ना कहीं इसका नाम सुना होगा, बट अब जो है जोरों शोरों से इसकी तैयारी चल रही है। ये गाड़ी आपको फेस्टिव सीजन के अंदर कहीं ना कहीं रिवील कर दी जाएगी ये गाड़ी एंड कोई ना कोई बिग न्यूज आपको सुनने को मिलेगी Hyundai की तरफ से इस गाड़ी को लेकर। फेस्टिव सीजन में लॉन्चिंग की बात करें तो लॉन्च ये गाड़ी आपको 2022 में देखने को मिलेगी, 2021 में लॉन्च नहीं की जाएगी, ये 2022 में लॉन्च की जाएगी एंड इस ईयर के एंड होने से पहले यानी कि फेस्टिव सीजन जब आएगा नवंबर में, तो ये गाड़ी आपको कहीं ना कहीं देखने को भी मिल जाएगी अनरैप। जो इसकी बुकिंग्स वगैरह है वो दिसंबर में स्टार्ट कर दी जाएंगी एंड जो ये गाड़ी आपको डीलर्स के पास देखने को मिलेगी वो आपको जनवरी मिड तक देखने को मिल जाएगी। जहां तक अभी तक न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग बाकी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इतना ज्यादा डिले हो गया तो और भी ज्यादा डिले कर सकते हैं Hyundai इसे एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में आपको कंफर्म ये गाड़ी देखने को मिल जाएगी। इससे ज्यादा डिले नहीं करेंगे Hyundai वाले इस गाड़ी को लॉन्च करने में, बिकॉज ऑलरेडी ये गाड़ी इतनी ज्यादा डिले हो गई। उसके अलावा और भी ज्यादा प्रोजेक्ट है Hyundai के जिसपे वो वर्क कर रहे हैं, जैसे कि क्रेटा की नई जनरेशन आने वाली है। अभी कंफर्म नहीं है कि आपको नई जनरेशन पूरी देखने को मिलेगी या फिर फेसलिफ्ट वर्जन देखने को मिलेगा क्रेटा का एंड ट्यूसोन जो 2021 में बाहर आ चुकी है 2022 में इंडियन कार मार्केट में लॉन्च की जा रही है विद 1.6 लीटर टर्बो चार पेट्रोल इंजन, वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी Hyundai की तरफ से। अभी फिलहाल AX1 की बात करें तो AX1 में आपको 1 लीटर का टर्बो चार पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। इंजन आपको वही सारे सेम देखने को मिलेंगे जैसे आपको i20 में देखने को मिलते हैं एंड ये गाड़ी भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन में अवेलेबल होगी एंड इस गाड़ी के अंदर भी IMT ट्रांसमिशन कंफर्म देखने को मिलेगा। प्राइसिंग इस गाड़ी की 5 लाख के आसपास स्टार्ट होगी एक्सशोरूम प्राइस एंड 7 लाख तक जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाने वाली एंड उसके अलावा ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ऑन रोड प्राइस भी आपको 8.5-9 लाख तक देखने को मिलेगी, इससे ऊपर नहीं जाने वाली क्योंकि उसके बाद तो वेन्यू आ जाती है एंड और भी ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं तो उस जगह पे कोई माइक्रो एसयूवी ना देख के सब 4 मीटर एसयूवी पे ही जाना ज्यादा प्रेफर करेगा। हाँ, माइक्रो एसयूवी उनके लिए बेस्ट रहेगी जो हल्की बहुत ऑफ रोडिंग करते हैं एंड वो चाहते हैं कि एक हैचबैक ना लेके ऐसी कोई गाड़ी ले जो बल्की बल्की देखने में लगे और ज्यादा स्पेस भी ना ले, उनका पार्किंग का भी इशू है, तो उनके लिए ये गाड़ी बहुत बढ़िया रहने वाली है टाटा पंच और Hyundai AX1। बाकी फिलहाल अभी तक के लिए इतनी अपडेट आई है हमारे पास इस गाड़ी को लेकर। आप सभी बताइए आपको ये गाड़ी को लेकर क्या थिंकिंग है अपने माइंड में एंड कौन कौन ये गाड़ी लेना चाहेगा, कौन कौन इस गाड़ी का वेट करना चाहेगा एंड बहुत जल्दी आपको टाटा पंच और इसका कंपैरिजन भी देखने को मिलेगा जब थोड़ी और डिटेल आ जाएगी इस गाड़ी को लेकर एंड टाटा पंच भी काफी बढ़िया प्रोडक्ट रहने वाला है। बिल्ड क्वालिटी उसमें आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगी, इंजन परफॉर्मेंस उसमें थोड़ी सी हो सकता है कॉम्प्रोमाइज कर दे टाटा उसमें, बट जहां तक लग रहा है आपको बढ़िया देखने को मिलेगी टाटा पंच भी एंड Hyundai की AX1 भी, दोनों ही कॉम्पिटिशन में आगे रहने वाली है, टक्कर देंगी मारुति की इग्निस को। प्राइस सेगमेंट में टक्कर देने की बात करें तो पूरे हैचबैक सेगमेंट को ये टक्कर देगी गाड़ियां दोनों की दोनों। और सही में यार जब माइक्रो एसयूवी आपको देखने को मिलेगी तो कौन जाएगा एक हैचबैक पर, और हाँ ये गाड़ी कहीं ना कहीं टियागो एनर्जी की भी सेल रेटिंग जो है डाउन कर देगी। बाकी अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड यार चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।